चलिए सर, अभी जो इसकी तोहीनी अदालत की जो कार्रवाई हो रही है, बजाहिर तो वो फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब के खिलाफ हैं, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इन दोनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं तो ये तोहीनी अदालत की जो कार्रवाई है तो ये इन दोनों के खिलाफ नहीं है। ये दरअसल कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये अगर कार्रवाई फर्ज कर लेते हैं कि इसमें सजा हो जाती है, आगे का क्या आप देख रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए, मैं वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू। देखिए, जो आप इंफरेंस कर रहे हैं वो मैं एग्री करता हूं कि उस इंफरेंस में वजन बहुत है, लेकिन उसको साबित करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए ईद हो गई जब DGISPR ने यूनिफॉर्म में पहन के DGISPR का टाइटल लेके उन्होंने वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे तो अच्छी शानदार बात और हाफ वॉली किसी को खेलने को मिलती नहीं थी। तो वही हुआ कि जितने दूसरे एंड पे बैट्समैन थे उन्हें दबके छक्के लगा दिए उनपे और उनके छक्के छूट गए जी। अब वो उनको बैकफायर कर गया, तो अब उन्होंने जो है अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करना शुरू किया।